जंग जीतने के लिए ताकत और दिमाग दोनों चाहिए, इसलिए मैं इन डबल रोटियों को उठाकर अपने साथ ले आया। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय वो भी दो गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? दो गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। दो गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरे की क्या जरूरत, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। ची ची। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा, यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा दो गड्ढे का शौचालय। और ये भाभी जी को दो, धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो दो गड्ढों वाला किया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खान, सोमी अली, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के संगीत निर्देशक अनु मलिक हैं। मिथुन इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आए थे। सैफ उनके छोटे भाई के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म का बजट रहा था 3.2 करोड़ रुपए। इस फिल्म की कहानी में मिथुन विभाग का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है और वह सैमी अली से प्यार करता है। बाहरी दुनिया के लिए भले ही वह सख्त इंसान है, लेकिन घर में अपने छोटे भाई सैफ के साथ नरमी बरतते हैं। सैफ अली खान एक हैप्पी गो लकी लड़का श्वेता के प्यार में पड़ जाता है। इसी बीच 5 अपराधियों प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, पुनीत इस्सर, अमृतपाल और शीला के एक समूह ने एक बैंक डकैती की साजिश रची और सैफ को डकैती में फंसाया गया, जिससे वह पुलिस से भाग गया। आधिकारिक तौर पर मिथुन को किसी भी कीमत पर सैफ को गिरफ्तार करने का काम सौंपा जाता है और सैफ को पकड़ने के लिए सभी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चरित्र एक राजपाल शीला का पति है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब समूह के सदस्य एक एक करके मारे जाते हैं। मिथुन अब सैफ को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ठान चुके हैं। इसी बीच मिथुन ने यह भी खुलासा किया कि उसकी प्रेमिका सेमी अली एक बार डांसर है जो उन्हीं अपराधियों के स्वामित्व वाले बार में काम करती है। दूसरी ओर सैफ भी अपने भाई को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि सेमी अली उसे मारे गए अपराधी के घर से बाहर आते हुए देखती है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत कातिल सिपाही पूजा आहूजा और देव कोहली ने लिखे थे। साउंड ट्रैक 1994 में वेस्टर्न कंपोनेंट्स म्यूजिक ने ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नरार द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे सामने है, जिसे गाया था कुमार शानू और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था तुम ही तुम, जिसे गाया था कुमार शानू और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था मेरे यार आ गया है, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था मेरे दिल में, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। पांचवा सॉन्ग था तुम जाओगे जब, जिसे गाया था उदित नारायण ने। छठा सॉन्ग था रेड सॉन्ग, जिसे गाया था उदित नारायण ने। दोस्तों यार गद्दार 1994 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार गद्दार के कास्ट की, यानी जिन्होंने यार गद्दार में भूमिकाएं निभाई थी उनकी निजी जिंदगी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था।
इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे चार बच्चे, तीन बेटे और एक बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य दो बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों, दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम पांच जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्म मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी, प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी बॉक्सर, 1984 में आई थी जागीर, 1984 में आई थी जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो वक्त की आवाज़, गुरु मुर्जिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुलहारे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकी की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मरगया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे।
ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्यधारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही। लकी नो टाइम फॉर लव, जो कि 2005 में आई थी, जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी, जो कि 2005 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। उसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मंथु स्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मिथु स्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म मणिक, मिथुन दा की ताजा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे, हालांकि उनकी यथावर्दती या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंचे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया, जो कि 1976 में आई थी, से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों, मैं टेसन मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा नॉलेज। दोस्तों, इस मूवी के निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, इसके निर्देशक थे विजय किरण आचार्य, इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर, में इसमें कलाकार थे अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर। इसकी रेटिंग थी 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का, बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है, हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का, बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते, बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है, लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमेक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था, जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था, लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह वेश बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टेसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय किरण आचार्य ने टेसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय, जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है, जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं।
दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार कर्नाटक रचा कर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत है, लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यास्पद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अच्छे की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है, तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पेंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है। बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींच कर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई सेट्स लिए हुए है जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उमदा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है, लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संदिग्ध संगीत फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर एंड अनिल कपूर इज द लीड रोल ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज चोपड़ा ऑफ यशराज फिल्म्स। इट वाज द रिलीज ऑन 25 अप्रैल 2008 एंड मार्केट एंड डायरेक्शन अबाउट द विजय कृष्णा आचार्य। बजट ऑफ दिस फिल्म 31 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 51 करोड़ रुपीज। नाउ आई टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। जितेंद्र कुमार माखनवाल एके एंड जिमी चिप सैफ अली खान इज द कॉल्ड सेंटर इन द एक्सेप्ट टू हु इज द आल्सो टीच इंग्लिश। पूजा सिंह करीना कपूर स्लोप ऑफ द आउटसाइड इज द क्लास एंड सेस एंड नीड प्राइवेट ट्यूटरिंग विदाउट एनी हेस्टिंग एंड जिमी क्विकली एग्री हैज द ऑलरेडी फेल्ट इन लव विद हर। द लेटर फिंड्स आउट द पूजा एंड बॉस लखन विद द ब्लेज एके भैया जी अनिल कपूर इज द वन हु इज द हस्बैंड टू दियर लव ग्रोस एंड पूजा रिबल्स डेट ओनली वर्किंग फॉर द भैया जी टू प्ले हर सो सी कैन देन टू द हरिद्वार एंड सिस्टर टू द चेस्ट डिसाइड टू द स्टील भैया जी मनी एंड रन अवे। द कपल सक्सेस इन मिशन एंड जिमी आस्क पूजा टू ग्रोट द मनी व्हिल ही गोज टू द कॉल सेंटर टू टेल मी ही द लिविंग एट द कॉल सेंटर जिमी हैज लर्न द भैया जी इज द मॉक ट्रिक एंड गैंगस्टर हु इज द एंजॉय किलिंग पीपल एंड गोज होम टू वन पूजा अनएक्सपेक्टेडली पूजा हैज रन अवे विद ऑल द मनी एंड शी मेट्स बैंक मैनेजर ऑफ द डिपोजिट एंड मनी इन द बैंक लॉकर। ही इनिशियली डिसएग्री एंड पूजा puts her hands and inside his the pocket and agree. Bhaiya ji
हर्ड द बच्चन पांडे अक्षय कुमार गैंगस्टर टू कैश जिम्मी आफ्टर गेटिंग कॉश जिम्मी एंड बच्चन लीड अवार्ड हरिद्वार टू फिंड पूजा एंड रिकवर भैया जी मनी वेन दे रिच द पूजा सिदम एंड रन अवे अनेबल टू फिंड पूजा देयर जिम्मी एंड बच्चन शट अप द ऑफ फिंड हर अगेन व्हाइल ऑफ द रोड टू डू गो टू द स्ली फाइट अबाउट द रोड स्टेशन एंड देयर कार फॉल्स इन टू द वाटर अलॉन्ग विद द जिम्मी एंड बच्चन पूजा camps of the water to see has been the hitting their trunk and all time she tells them that she has the hidden the money in the seven different and the place across Indian Jimmy and Pooja decide to the run away with the money they do decide that Pooja should schedule Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him but finds out that they are the each other and children loves and they both fall in love after recovering all the of money Bachchan decide to the live with it not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones Now I talk about the production of this film. Pro-production is the beginning of the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It released really 2007 and Kapoor was signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and the standing successful celebration with Yash Raj films. It also marked the return for three of its the actors to Yash Raj films Kumar was the producer the cast and Dil to Pagal hai 1997 with Kareena and Anil Kapoor where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Limme respect film acquired from the major star Khans and Khanson Abraham also made the acting debut and where is the played the younger version of this father and character and Shukar later enters all the actors support the supporting new look and designed by the designer A.K. Durella and I talk about the reception of this film and I talk about box office before the release of this film Tessan repeated the advance booking which the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sold work weekend the major centered on the day of the release the film was the happened to 75 to 80% response but well short the expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem which is that did not allow the film released on a major and multi express actors India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 108 million after the first week and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and Multiplex which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the Multiplex across the country the film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था एक फार्मूला था बदले का बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है एक फार्मूला होता था प्रेम का बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है उन फिल्मों का क्लाइमेक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे
लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाते थे। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ पुलिस ऑफिसर ठोड़ते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टशन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय करण आचार्य ने टशन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं, इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत है लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यास्पद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अच्छे की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पेंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है, बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींच कर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई शर्ट्स लिए हुए है जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उमदा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संदिग्ध संगीत फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टशन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टशन इज 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर एंड अनिल कपूर इज द लीड रोल आप प्रोड्यूस्ड बाय अक्षय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज चोपड़ा आप यशराज फिल्म्स। इट वाज द रिलीज ऑन 25 अप्रैल 2008 एंड मार्केट एंड डायरेक्शन अबाउट द विजय कृष्णा आचार्य। बजट ऑफ दिस फिल्म 31 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 51 करोड़ रुपीज। नाउ आई टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। जितेंद्र कुमार माखनवाल एके एंड जिमी चिप सैफ अली खान इज द कॉल्ड सेंटर इन द एक्सेस टू हु इज द आल्सो टीच इंग्लिश। पूजा सिंह करीना कपूर स्लोप ऑफ द आउटसाइड इज द क्लास एंड सेस एंड नीड प्राइवेट ट्यूटरिंग विदाउट एनी हेस्टिंग एंड जिमी क्विकली एग्री हैज द ऑलरेडी फेल्ट इन लव विद हर द लेटर फ्रेंड्स आउट द पूजा एंड बॉस लखन विद द ब्लेज एके भैया जी अनिल कपूर इज द वन हु इज द हस्बैंड टुवर्ड्स टू देयर लव ग्रोस एंड पूजा रिवर्स दैट ओनली वर्किंग फॉर द भैया जी टू प्ले हर डिप्शन सो सी कैन देन द हरिद्वार एंड सिस्टर टू द चेस्ट दे डिसाइड टू द स्टील भैया जी मनी एंड रन अवे द कपल सक्सेस इन मिशन एंड जिमी आस्क पूजा टू ग्रोट द मनी विल ही गोज टू द
कॉल सेंटर टू टेल मी ही द लिविंग एट द कॉल सेंटर जिम हैज लर्न द भैया जी इज द mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to warn Pooja. And honestly, Pooja has run away with all the money and she meets bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagrees and Pooja puts her hands and inside his the pocket and agree. Bhaiya ji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy after getting caught. Jimmy and Bachchan lead hours are required to find Pooja and recover Bhaiya Ji money. When they reach their Pooja, see them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up the find her again. While up the road to go to the sleep fight about the rodeo station and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja climbs up the water to see has been the hiding their trunk and whole time she tells them that she has the hidden the money in the seven different and the place across Indian. Jimmy and Pooja decide to the run away with the money. The two decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are the each other and children loves and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decide to live with it, not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Pro-production is the beginning of the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It's really 2007 Anil Kapoor was signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and the standing successful celebration with Yash Raj Films. It also marked the return for three of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer, the cast and Dil to Pagal Hai 1997 with the Kareena and Anil Kapoor pair last seen in the Mujhse Shaadi Karoge and Limme respectively. Apart from the major star Khans and Khan's son Ibrahim also made the acting debut and where is the played the younger version of this father and character and Shukar later introduced all the actors both the supporting new look and designed by the designer A.K. Dorella. Now I talk about the reception of this film, I talk about box office. Before the release of this film, Tessan repeated the advance booking with the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sold. Work weekend is the major center. On the day of the release, the film was the open to 75 to 80% response per bill short. The expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which they did not allow the film release on a major and multi express actors India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 180 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and multiplex, which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and clear it below average. दोस्तों, अगर आप कम वक्त इश्क मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह इसे आप भी पैसा लेकर दिखा रहे हैं। अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ये फुल मूवी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों कमबख्त इश्क शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और सजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित बॉलीवुड रोमांटिक हास फिल्म है। यह फिल्म 2002 के तमिल फिल्म पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं, एवं सहायक भूमिका में अफ्ताब शिवदेसनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रेडन रूथ और होली वायलेंस केमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसका यानी इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपए से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों इस फिल्म को सिंह इश्किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है दो अरबों गरीब इंसानों की। विराज शेरगिल अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है, ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छे लगते हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। समरिता और वेब यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेते हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी अफ्ताब से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करते हैं और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई तल्लक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबू एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताया, निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच, एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में 1-2 जगह हंसी आ सकती है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। 1 से 1 बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था सो वो लगी और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः
पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांटन राउत ने सात बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शन निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। शॉर्ट स्टोरी। जब हॉलीवुड कर्तबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा सिमरता रानी करीना कपूर, उसके लगे भाई अफ्ताज, शिव देसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा के जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नव वरवधु के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरित अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने कहा है का अभिनय किया है, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सिमरता राय का रोल निभाया है, अफ्ताज शिव देसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो यह थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था एरोज म्यूजिक और जिसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अलीसा चिना, यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कमबख्त इश्क जिसके गायक वे के एवं सुनीत चौहान थे, यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल, यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर, यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स, यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्ला, यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। कमबख्त इश्क इज ये 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय सबीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ड ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवोटल रोल्स एंड अलोंग विद द एक्टर्स अफ्ताज शिवदासनी एंड अमृता अरोड़ा इज द सपोर्टिंग रोल्स। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन एंड रिचर्ड एंड ब्रेंड राउत एंड होली वैलेंस अपेयर इन द कैमियो प्लेइंग देमसेल्व। ओरिजिनली शेड्यूल्ड ऑफ रिलीज इन दिसंबर 2008 द फिल्म वॉज द पोस्टपोन्ड ड्यू टू द एक्सप्रेशन प्रोडक्शन वर्क एंड द रिलीज ऑन 3 जुलाई 2019। कमबख्त इश्क वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस, इट वॉज द टर्मेड हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। डायरेक्टेड बाय सबीर खान, प्रोड्यूसर्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड स्क्रीन प्ले बाय किरण कोटरिया एंड अभिनेता दत्त गुप्ता, सीता महेत्रा एंड सबीर खान, स्टोरी बाय अभिनेता दत्त गुप्तम एंड सीता महेत्रा एंड सबीर खान, क्रेजी मोहन, बेस्ड ऑन पमाल के सदमन एंड स्टारिंग अक्षय कुमार, करीना कपूर, अफ्ताब शिवनंदिनी, अमृता अरोरा, विनोद दारा सिंह एंड किरण खेर। म्यूजिक बाय अनु मलिक एंड सिनेमाटोग्राफी बाय विकास शिवाराम, एडिटिंग बाय नितिन रोकेड एंड प्रोडक्शन कंपनी बाय साजिद नडियाडवाला, ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रोशनो एंटरटेनमेंट, रिलीज्ड 3 जुलाई 2019 इन इंडिया, 9 इंडिया एंड रनिंग टाइम 135 मिनट, कैटेगरी कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी एंड बजट ऑफ दिस फिल्म 300 मिलियन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज द 840 मिलियन। टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। वन बॉलीवुड द सुमित विराज सरगिल अक्षय कुमार एंड मेडिकल स्टूडेंट सुमित्रा करीना कपूर कम अक्रॉस ईच अदर आर द ब्रदर लकी एज द आफ्ताब
Things by the forcing lucky to Delhi there. Mary woe for 3 months. She is the sure lucky will not be able to do and this will approach the coming title lucky was just another low class male to the like of the other and her claims of him believe different from most men are the unfounded viraj upon the hoarding and Vinod was the पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं। एम सहायक भूमिका में आफ्ताब शिवदेसनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन डेनिस रिचर्ड्स ब्रेडन रोथ और होली वायलेंस केमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसका यानी इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी, जब हॉलीवुड करतबाज विराज सरगिले ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता रानी करीना कपूर उसके लगे भाई अफ्ताज शिवदेसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा के जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नववधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरित अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काय का अभिनय किया है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने स्मृता राय का रोल निभाया है, अफ्ताज शिवदेसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDBM नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अली साजना। यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था और चौथा गाना था जो कमबख्त इश्क जिसके गायक वे के एवं सुनील चौहान थे। यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल। यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स। यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्ला। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम केजी और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर प्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने के से यथान बर्बादी नजर आती है।
दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपए से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों इस फिल्म को सिंह इश्क किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है, जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है दो अरबों गरीब इंसानों की। विराज सेरगिलन अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है, ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। स्मृता उर्फ बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेते हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी अफ्ताब शिव दासनी से पैसा से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता इस्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई तल्लक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताया, निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच एक तरह से फिल्म लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में एक दो जगह हंसी आ सकती है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था सो वो लगी और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान डेनिस रिचर्डन ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। कमबख्त इश्क इज ए 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शब्बीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ट ऑन 2002 तमिल फिल्म
पमाल के एंड संविधान एंड द फ्यूचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवोटल रोल्स एंड अलोंग विद द एक्टर्स अब्दास शिवदासनी एंड अमृता अरोरा इज द सपोर्टिंग रोल्स। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन एंड डेनिस रिचर्ड एंड ब्रेंड राउत एंड होली वैलेंस अपेयर इन द कैमियो प्लेइंग देमसेल्व्स। ओरिजिनली शेड्यूल्ड ऑफ रिलीज इन द डिसंबर 2008 द फिल्म वाज द पोस्टपोन्ड ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन वर्क एंड द रिलीज ऑन 3 जुलाई 2019 कम वक्त इस वाज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस इट वाज द टर्मेट हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। डायरेक्टेड बाय सबीर खान प्रोड्यूसर बाय साजिद नडियाडवाला एंड स्क्रीन प्ले बाय किरण कुटरिया एंड अभिनेता दत्त गुप्ता सीता महेत्रा एंड सबीर खान स्टोरी बाय अभिनेता दत्त गुप्तम एंड सीता महेत्रा एंड सबीर खान क्रेजी मोहन बेस्ड ऑन पमाल के सदमन एंड स्टारिंग अक्षय कुमार करीना कपूर आफ्ताब शिवनंदिनी अमृता अरोरा विनोद दारा सिंह एंड किरोर खेर। म्यूजिक बाय अनु मलिक एंड सिनेमाटोग्राफी बाय विकास शिवाराम एडिटिंग बाय नितिन रॉकेट एंड प्रोडक्शन कंपनी बाय साजिद नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रोशना एंटरटेनमेंट रिलीज्ड 3 जुलाई 2019 इंडिया। खिलाड़ी 786 उस वर्ष के अक्षय कुमार की रिलीज होने वाली 5वीं फिल्म थी। खिलाड़ी कुमार के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा था। उनकी दो फिल्में राउडी राठौर और हाउसफुल 2 ने 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली थी। निर्माता के रूप में बनाई गई ओ माय गॉड भी हिट रही थी। जोकर जरूर पिटी या कहे बुरी तरह पिटी, लेकिन अच्छे ने अपने आप को इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अलग कर दामन पर दाग लगाने से बचा लिया। कुछ लोगों ने उसकी फिल्म ईमानदारी की तारीफ की। अक्षय को फिल्म पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों से इसे देखने की गुजारिश नहीं की। दूसरी ओर आलोचना इसलिए झेलनी पड़ी कि जोकर में काम करने के बदले पैसे लिए हैं तो एक प्रोफेशनल कलाकार की तरह प्रचार भी करना था। खैर अच्छे अपने अच्छे चल रहे इस वक्त को पूरी तरह भुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ खिलाड़ी 786 पूरी की और दिसंबर में यह फिल्म रिलीज हुई थी। एक दौर ऐसा था जब अक्षय कुमार ने खिलाड़ी नाम वाली कई सफल फिल्में दी थी। अब लंबे समय बाद खिलाड़ी शब्द का इस्तेमाल उनकी फिल्म में हो रहा था। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। मनसुख एक मैरिज ब्यूरो चलाने वाले चंपक लाल का बेटा है। मनसुख ने जो भी काम किए है उसमें उसे असफलता ही मिली है। अपने पिता के व्यवसाय में उसके हाथ बटाते हुए उसने जो भी शादी तय की शादी होने से पहले ही टूट गई। अपने पिता की नज़रों में अपने आप को काबिल साबित करने के लिए मनसुख एक मौका और मांगता है और एक अजीबोगरीब रिश्ता करवाने में जुट जाता है। अंडरवर्ल्ड स्टार टीटी भाई की बिगड़ैल बहन इंदु के साथ वह पुलिस अफसर बत्तर सिंह और खिलाड़ी 786 से तय करवाने की कोशिश करता है। टीटी भाई को मनसुख कहता है कि वह भी अपने आप को पुलिस वाला बतलाए। अति उत्साही मनसुख यह नहीं जानता कि बत्तर सिंह उसके पिता 70 सिंह और अंकल 71 सिंह पुलिस वाले नहीं बल्कि चोर हैं। मजा तब आता है जब दो अलग अलग प्रदेश में रहने वाले परिवार एक दूसरे के आमने सामने आपको पुलिस वाला बताते हैं। बेचारा मनसुख यह नहीं जानता कि भांडा फूटने पर उसका क्या होगा। दोस्तों इस मूवी के निर्देशक थे आशीष आर मोहन। इसमें निर्माता थे ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, हिमेश रेशमिया, सुनील लुल्ला। ये पटकथा थी कुशाल देवबख्शी की। इसमें कहानी थी हिमेश रेशमिया की। इसमें अभिनेता थे अक्षय कुमार, आसिन मिथुन चक्रवर्ती और हिमेश रेशमिया। इसमें संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। इसके छायाकार थे अतर सिंह सैनी। इसके वितरक थे इरोस इंटरनेशनल। ये रिलीज हुई थी दिसंबर 7, 2012। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 112.45 करोड़ रुपए। फिल्म का पहला ट्रेलर 4 अक्टूबर को ऑनलाइन रिलीज हुआ। इसके 5 दिनों में 1.5 मिलियन हिट मिले और इंडस्ट्री के कुछ जानकारों ने कहा कि अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। फिल्म का पूरा ट्रेलर 12 नवम्बर को प्रदर्शित हुआ और फिल्म की रिलीज 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसके निर्माण की। मार्च 2012 में घोषणा की गई कि आसिन आर मोहन और हिमेश रेशमिया अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाएंगे। अप्रैल 2012 में हाउसफुल 2 की रिलीज के कुछ दिन पहले बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के नाम खिलाड़ी 786 होगा और इसी के साथ अक्षय खिलाड़ी सीरीज में 12 साल बाद वापसी करेंगे। इस सीरीज की उनकी आखिरी फिल्म खिलाड़ी 420 थी। चलिए बात करते हैं कास्टिंग की। फिल्म को 12 नवंबर 2012 को दिवाली पर रिलीज करने की घोषणा की गई, लेकिन फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर हिमेश रेशमिया को कास्टिंग में कुछ समस्या होने के कारण फिल्म देरी से हो गई।
12 अप्रैल 2012 को हिमेश रेशमिया ने स्वयं यह घोषणा की सपोर्टिंग किरदार न मिलने के कारण वे मनोज जोशी के बेटे का रोल खुद करेंगे। इसके अतिरिक्त अनुभवी कलाकार अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया और उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म में लिया गया। क्लौडिया चेसला ने भी इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया है। इसके अतिरिक्त फीमेल लीड्स के नाम की कई अफवाह आई, जैसे इलियाना डिक्रूज, नगरिस पाकरी और डायना पेंटे, लेकिन फिर जून 2012 में सारी अफवाहों को समाप्त करते हुए आसिन को आखिर में फिल्म की लीड लेडी के रूप में साइन कर लिया गया। तो चलिए बात करते हैं इसके फिल्मांकन की। इस फिल्म की फिल्मांकन 2 जून 2012 को 20 दिन के शेड्यूल के साथ कमालिस्तान स्टूडियोज में शुरू हुई थी। पहले शेड्यूल के दौरान अक्षय ने एक खतरनाक स्टंट किया जिसमें उन्होंने 45 फीट ऊंचे बंगले से बिना किसी तार व बॉडी डबल के छलांग लगाई। नीचे केवल कुछ गद्दे और कार्डबोर्ड के बॉक्स ही लगाए गए थे। इस फिल्म के एक्शन सीक्वल जल सिंह निज्जार के द्वारा दिए गए थे। अगर बात करें संगीत की तो फिल्म का साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया द्वारा बनाया गया था और बोल समीर सब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया ने लिखे थे। पंजाब के सुप्रसिद्ध रैपर यो यो हनी सिंह ने इस फिल्म के लिए लोनली गाने को रिकॉर्ड किया था, जो कि युवाओं के बीच काफी प्रसिद्ध हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था लोनली, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद। इसको गाया था हिमेश रेशमिया, यो यो हनी सिंह और हंसिका अय्यर ने। दूसरा सॉन्ग था बलमा, जिसके गीतकार थे समीर और इसे गाया था मन्यापति, स्क्रीमन चंद्रा और सिरा घोषाल ने। तीसरा सॉन्ग था लॉन्ग ड्राइव, जिसके गीतकार थे समीर और इसे गाया था मिल्खा सिंह ने। चौथा सॉन्ग था सारी सारी रात, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद और इसे गाया था हिमेश रेशमिया। पांचवा सॉन्ग था हुक्का बार, जिसके गीतकार थे हिमेश रेशमिया और इसे गाया था हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह और अमन त्रिखा ने। छठा सॉन्ग था खिलाड़ी, जो कि टाइटल ट्रैक में था, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद, इसे गाया था विनीत सिंह, अमन त्रिखा, यशराज कपिल, आलमगीर खान और राजदीप चटर्जी ने। सातवां सॉन्ग था तू होर परी, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद, इसे गाया था जावेद अली, श्रेया घोषाल, चंद्रकला सिंह और हर्षदीप कौर। आठवां सॉन्ग था लोनली, जो कि रिमिक्स में था, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद, इसे गाया था हिमेश रेशमिया, यो यो हनी सिंह और हंसिका अय्यर ने। इसी तरह और भी सॉन्ग थे जो कि रिमिक्स में बनाए गए थे। तो चलिए बात करते हैं इसके समालोचना की। स्कोर मैग्नीस के श्रेष्ठ पदोत्तर ने एल्बम को 5 में से 3 स्टार दिए, यह कहते हुए लिखा, हिमेश रेशमिया ने पूरी कोशिश की है कि फिल्म का म्यूजिक एडिक्टिव हो, यह एल्बम काफी बिकेगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो काफी सीमा तक इसमें सफल भी हुए, पर वो इसमें अच्छा कर सकते थे और उन्होंने किया भी। दूसरी ओर समीर और सब्बीर अहमद के बोल एल्बम पर कोई खास प्रभाव नहीं डालते। खिलाड़ी 786 के संगीत को ऑनलाइन काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। हैशटैग खिलाड़ी म्यूजिक रॉक नाम हैशटैग माइक्रोब्लॉग साइट ट्विटर पर पूरे दिन के लिए टॉप 10 रुझान ट्रेंडर्स में नंबर 1 पर रहा था। मैरिज ब्यूरो वाले एक बेहतरीन सेल्समैन होते हैं। अगर एक बार आप उनके पंचड़े में पड़ गए तो जब तक वो आपकी शादी नहीं करवा देते आपके पीछे पड़े रहते हैं, और इस काम में वह झूठ की तो कतई परवाह ही नहीं करते। चाहे 100 झूठों का पहाड़ खड़ा करना पड़े, लेकिन वह करेंगे, क्योंकि भाई शादी जो करानी है। वह इसे झूठ फरेज और यथाकथित पुण्य के काम को शोकेस किया है अक्की की नई फिल्म खिलाड़ी 786 ने। पुरानी कहानी और नया मसाला, यह खिलाड़ी 786 का फसाना। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का टैग अपनी खिलाड़ी टाइटल की फिल्मों की वजह से ही मिली, जो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा एक्शन और मारधाड़ से भरी होती थी। लेकिन समय बदल चुका है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी बदल चुके हैं। इस बदलाव का ही नतीजा है कि कभी खिलाड़ी टैग की फिल्में में सिर्फ मार काट नजर आती थी, उसी खिलाड़ी टैग के अंदर बनी फिल्म में भरपूर कॉमेडी उभरी हुई है। खिलाड़ी 786 को एक एक्शन फिल्म कहना बिल्कुल गलत होगा। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक्शन और रोमांस सिर्फ मसालों के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका बैनर है हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी रोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड। इसके निर्माता हिमेश रेशमिया, ट्विंकल खन्ना, सुनील अहलूवालिया। इसके निर्देशक हैं आशीष आर मोहन। इसमें संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने। इसकी रेटिंग 1/2 अकॉर्डिंग टू जागरण। यार गद्दार एक इलेक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन उमेश मेहरा ने किया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खान, सोमी अली, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिका में नजर आए थे।
फिल्म के संगीत निर्देशक अनु मलिक हैं। मिथुन इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आए थे। सैफ उनके छोटे भाई के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म का बजट रहा था 3.2 करोड़ रुपए। इस फिल्म की कहानी में मिथुन विभाग का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है और वह सैमी अली से प्यार करता है। बाहरी दुनिया के लिए भले ही वह सख्त इंसान है, लेकिन घर में अपने छोटे भाई सैफ के साथ नरमी बरतते हैं। सैफ अली खान एक हैप्पी गो लकी लड़का श्वेता के प्यार में पड़ जाता है। इसी बीच 5 अपराधियों प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, पुनीत इसर, अमृतपाल और शीला के एक समूह ने एक बैंक डकैती की साजिश रची और सैफ को डकैती में फंसाया गया, जिससे वह पुलिस से भाग गया। आधिकारिक तौर पर मिथुन को किसी भी कीमत पर सैफ को गिरफ्तार करने का काम सौंपा जाता है और सैफ को पकड़ने के लिए सभी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चरित्र एक राजपाल शीला का पति है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब समूह के सदस्य एक एक करके मारे जाते हैं। मिथुन अब सैफ को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ठान चुके हैं। इसी बीच मिथुन ने यह भी खुलासा किया कि उसकी प्रेमिका सेमी अली एक बार डांसर है जो उन्हीं अपराधियों के स्वामित्व वाले बार में काम करती है। दूसरी ओर सैफ भी अपने भाई को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि सेमी अली उसे मारे गए अपराधी के घर से बाहर आते हुए देखती है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत कातिल सिपाही पूजा आहूजा और देव कोहली ने लिखे थे। साउंडट्रैक 1994 में वेस्टर्न कंपोनर्स म्यूजिक ने ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नरार द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे सामने है, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था तुम ही तुम, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था मेरे यार आ गया है, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था मेरे दिल में, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। पांचवा सॉन्ग था तुम जाओगे जब, जिसे गाया था उदित नारायण ने। छठा सॉन्ग था रेड सॉन्ग, जिसे गाया था उदित नारायण ने। दोस्तों, यार गद्दार 1994 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार गद्दार के कास्ट की, यानी जिन्होंने यार गद्दार में भूमिकाएं निभाई थी उनकी निजी जिंदगी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया, जो कि 1976 में आई थी, से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया।
मिथुन के अन्य दो बच्चे नमासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम पांच जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में थी जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी, प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी बॉक्सर, 1984 में आई थी जागीर, 1984 में आई थी जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो वक्त की आवाज़, गुरु मुर्जिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुल्हारे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मरगया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्यधारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई जो सफल नहीं रही। लकी नो टाइम फॉर लव जो कि 2005 में आई थी जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी जो कि 2005 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। उसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मंथो, स्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मिथु स्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म
मणिक मिथुन दा की ताजा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे, हालांकि उनकी यथावर्धति या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंझे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों, मैं टेसन मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमेशा यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम स्टोरी शुरू करें, इससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा नॉलेज। दोस्तों इस मूवी के निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, इसके निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर, में इसमें कलाकार थे कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर। इसकी रेटिंग थी 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का, बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है, हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का, बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते, बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमेक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था, जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह भेष बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार कर्नाटक रचा कर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं, इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीष्म में की गई है। लोकेशन अद्भुत है लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीष्म के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यास्पद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अच्छे की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पेंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है, बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की
गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई शर्ट्स लिए हुए है जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उमदा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संदिग्ध संगीत फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टशन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टशन इज 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर एंड अनिल कपूर इज द लीड रोल ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज चोपड़ा ऑफ यशराज फिल्म्स। इट वॉज द रिलीज ऑन 25 अप्रैल 2008 एंड मार्केट एंड डायरेक्शन अबाउट द विजय कृष्णा आचार्य। बजट ऑफ दिस फिल्म 31 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 51 करोड़ रुपीज। नाउ आई टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। जितेंद्र कुमार माखनवाल एके एंड जिमी चिप, सैफ अली खान इज द कॉल्ड सेंटर इन द एक्सेस टू हु इज द आल्सो टीच इंग्लिश। पूजा सिंह करीना कपूर स्लोप ऑफ द आउटसाइड इज द क्लास एंड सेस एंड नीड प्राइवेट ट्यूटरिंग विदाउट एनी हेस्टिंग एंड जिमी क्विकली एग्री हैज द ऑलरेडी फेल्ट इन लव विद हर। द लिटिल फ्रेंड्स आउट द पूजा एंड बॉस लखन विद ब्लेज एक भैया जी अनिल कपूर इज द वन हु इज द हस्बैंड टुवर्ड्स टू देयर लव ग्रोस एंड पूजा रिवर्स दैट ओनली वर्किंग फॉर द भैया जी टू प्ले हर डिप्शन सो सी कैन देन द हरिद्वार एंड सिस्टर टू द चेस्ट दे डिसाइड टू द स्टील भैया जी मनी एंड रन अवे। द कपल सक्सेस इन मिशन एंड जिमी आस्क पूजा टू ग्रोट द मनी व्हिल ही गोज टू द call center to tell me the living at the call center Jimmy has learned the bhaiya ji is the mock trick and gangster who is the enjoy killing people and goes home to one puja and honestly puja has run away with all the money and she meets bank manager of the deposit and money in the bank locker. He initially disagree and puja puts her hands and inside his the pocket and agree. Bhaiya ji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy after getting caught. Jimmy and Bachchan lead awards are required to find Pooja and recover Bhaiya ji money. When they reach their Pooja, see them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up the find her again. While up the road to do go to the silly fight about the rodeo station and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja camps up the water to see has been the hiding their trunk and whole time she tells them that she has the hidden the money in the seven different and the place across Indian. Jimmy and Pooja decide to the run away with the money. The two decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are the each other and children loves and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decide to live with it not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones.
Naita Kapoor is the production of the film. Pro-production is the begin the last 2006 with Akshay Kumar being assigned first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. Early 2007, Anil Kapoor was assigned on the play the negative role in the film. This film is the continue Khan's long and the standing successful celebration with Yash Raj Films. It also marked the return for three of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer, the cast in Dil To Pagal Hai 1997 with Kareena and Anil Kapoor. Their last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Limme respectively. Apart from the major star Khans and Khan's son, Ibrahim also made the acting debut and where is the played the younger version of this father and character and Shukla later endorsed all the actors support the supporting new look and designed by the designer A.K. Dorila. Now I talk about the reception of this film, I talk about box office. Before the release of this film, Tyson repeated the advance booking which the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sold work weekend is the major center. On the day of the release, the film was open to 75 to 80% response but fell short the expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem which that did not allow the film released on a major and multi-express actors in India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 180 million after the first week and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and Multiplex which allows the film to the screened from 3 May 2008 awards at the Multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and cleared below average. तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का। बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का। बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमैक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ पुलिस ऑफिसर टोड़ते हुए आता था और वह वेश बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय करण आचार्य ने टसन में किया है जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियाँ भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचा कर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं। इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख केरल हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत है लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए।
फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यास्पद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अच्छे की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पेंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है, बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई सेट्स लिए हुए है जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उमदा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संदिग्ध संगीत फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टशन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टैसन इज 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर एंड अनिल कपूर इज द लीड रोल ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय अक्षय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज चोपड़ा ऑफ यशराज फिल्म्स। इट वाज द रिलीज ऑन 25 अप्रैल 2008 एंड मार्केट एंड डायरेक्शन अबाउट द विजय कृष्णा आचार्य। बजट ऑफ दिस फिल्म 31 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 51 करोड़ रुपीज। नाउ आई टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। जितेंद्र कुमार माखनवाल एके एंड जिमी चिप सैफ अली खान इज द गॉड सेंटर इन द एक्सोस्ट टू हु इज द आल्सो टीच इंग्लिश। पूजा सिंह करीना कपूर स्लोप ऑफ द आउटसाइड इज द क्लास एंड सेस एंड नीड प्राइवेट ट्यूटरिंग विदाउट एनी हेस्टिंग एंड जिमी क्विकली एग्री हैज द ऑलरेडी फेल्ट इन लव विद हर। द लिटिल फ्रेंड्स आउट द पूजा एंड बॉस लखन विद द ब्लेज एक भैया जी अनिल कपूर इज द वन हु इज द हाइस्ट टुवर्ड्स द डियर लव ग्रोस एंड पूजा रिवर्स दैट ओनली वर्किंग फॉर द भैया जी टू प्ले हर डिप्शन सो सी कैन देन द हरिद्वार एंड सिस्टर टू द चेस्ट दे डिसाइड टू द स्टील भैया जी मनी एंड रन अवे। द कपल सक्सेस इन मिशन एंड जिमी आस्क पूजा टू ग्रोट द मनी व्हिल ही गोज टू द कॉल सेंटर टू टेल मी द लिविंग एट द कॉल सेंटर जिमी हैज लर्न द भैया जी इज द मॉक ट्रिक एंड गैंगस्टर हु इज द एंजॉय किलिंग पीपल एंड गोज होम टू वन पूजा एंड अनेक्सली पूजा हैज रन अवे विद ऑल द मनी एंड शी मेट्स बैंक मैनेजर ऑफ द डिपोजिट एंड मनी इन द बैंक लॉकर। He initially disagree and Pooja puts her hands and inside his pocket and agree. Bhaiya ji heard the Bachchan Pandey Akshay Kumar a gangster to catch Jimmy after getting caught. Jimmy and Bachchan lead awards are required to find Pooja and recover Bhaiya ji money. When they reach there, Pooja sees them and run away. Unable to find Pooja there, Jimmy and Bachchan set up the find her again. While up the road to go to the silly fight about the rodeo station and their car falls into the water. Along with the Jimmy and Bachchan, Pooja camps up the water to see has been the hiding their trunk and whole time she tells them that she has the hidden
the money in the seven different and the place. Across Indian Jimmy and Pooja decide to the run away with the money. The duo decide that Pooja should Bachchan just like she did Jimmy and straight to the seduce him, but finds out that they are the each other and children loves, and they both fall in love after recovering all the of money. Bachchan decide to live with it, not the knowing that Jimmy and replace the money with the stones. Now I talk about the production of this film. Pro-production is the beginning of the last 2006 with Akshay Kumar being signed first and Saif Ali Khan and Kareena Kapoor next. It's really 2007 and Anil Kapoor was signed on the play. The negative role in the film, this film is the continue Khan's long and the standing successful celebration with Yash Raj Films. It also marked the return for three of its the actors to Yash Raj Films. Kumar was the producer, the cast and Dil To Pagal Hai 1997 with Kareena and Anil Kapoor, where last scene is the Mujhse Shaadi Karoge and Limme respectfully. Apart from the major star Khans and Khansan, Ibrahim also made the acting debut, and where is the played the younger version of this father and character, and Shukar later endorsed all the actors with the supporting new look and designed by the designer A.K. Dorilla. Now I talk about the reception of this film, I talk about box office. Before the release of this film, Tessan repeated the advance booking, which the range of the from 25 to 35 tickets percent tickets to the sold work weekend. The major centered on the day of the release, the film was the happened to 75 to 80% response, but fell short the expected the humble opening due to the multiplex revenue sharing problem, which that did not allow the film released on a major and multi express actors India due to his the film lost of the major chunk of this revenue and collected a total of 180 million after the first week, and although the following weeks and agreement was made between Yash Raj Films and multiplex, which allowed the film to the screened from 3 May 2008 awards at the multiplex across the country. The film was managed to add only another 70 million towards the collection and clear it below average. खिलाड़ी 786 उस वर्ष के अक्षय कुमार की रिलीज होने वाली पांचवी फिल्म थी। खिलाड़ी कुमार के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन रहा था। उनकी दो फिल्में रावड़ी राठौर और हाउसफुल 2 ने 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली थी। निर्माता के रूप में बनाई गई ओ माई गॉड भी हिट रही थी। जोकर जरूर पिटी या कहे बुरी तरह पिटी, लेकिन अक्षय ने अपने आप को इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अलग कर दामन पर दाग लगाने से बचा लिया। कुछ लोगों ने उसकी फिल्म ईमानदारी की तारीफ की। अक्षय को फिल्म पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों से इसे देखने की गुजारिश नहीं की। दूसरी ओर आलोचना इसलिए झेलनी पड़ी कि जोकर में काम करने के बदले पैसे लिए हैं, तो एक प्रोफेशनल कलाकार की तरह प्रचार भी करना था। खैर, अच्छे अपने अच्छे चल रहे इस वक्त को पूरी तरह बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ खिलाड़ी 786 पूरी की और दिसंबर में यह फिल्म रिलीज हुई थी। एक दौर ऐसा था जब अक्षय कुमार ने खिलाड़ी नाम वाली कई सफल फिल्में दी थी। अब लंबे समय बाद खिलाड़ी शब्द का इस्तेमाल उनकी फिल्म में हो रहा था। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। मनसुख एक मैरिज ब्यूरो चलाने वाले चंपक लाल का बेटा है। मनसुख ने जो भी काम किए उसमें उसे असफलता ही मिली है। अपने पिता के व्यवसाय में उसके हाथ बटाते हुए उसने जो भी शादी तय की, शादी होने से पहले ही टूट गई। अपने पिता की नजरों में अपने आप को काबिल साबित करने के लिए मनसुख एक मौका और मांगता है और एक अजीबोगरीब रिश्ता करवाने में जुट जाता है। अंडरवर्ल्ड स्टार टेडी भाई की बिगड़ैल बहन इंदु के साथ वह पुलिस अफसर बत्तर सिंह और खिलाड़ी 786 से तय करवाने की कोशिश करता है। टीटी भाई को मनसुख कहता है कि वह भी अपने आप को पुलिस वाला बतला है। अति उत्साही मनसुख यह नहीं जानता कि बहत्तर सिंह उसके पिता 70 सिंह और अंकल 71 सिंह पुलिस वाले नहीं बल्कि चोर हैं।
मजा तब आता है जब दो अलग अलग प्रदेश में रहने वाले परिवार एक दूसरे के आमने सामने आपको पुलिस वाला बताते हैं। बेचारा मनसुख यह नहीं जानता कि भांडा फूटने पर उसका क्या होगा। दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक थे आशीष आर मोहन। इसमें निर्माता थे ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, हिमेश रेशमिया, सुनील लुल्ला। ये पटकथा थी कुशाल देवबख्शी की। इसमें कहानी थी हिमेश रेशमिया की। इसमें अभिनेता थे अक्षय कुमार, आशीन मिथुन चक्रवर्ती और हिमेश रेशमिया। इसमें संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। इसके छायाकार थे अतर सिंह सैनी। इसके वितरक थे इरोस इंटरनेशनल। ये रिलीज हुई थी December 7, 2012। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 112.45 करोड़ रुपए। फिल्म का पहला ट्रेलर 4 अक्टूबर को ऑनलाइन रिलीज हुआ। इसके 5 दिनों में 1.5 मिलियन हिट मिले और इंडस्ट्री के कुछ जानकारों ने कहा कि अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। फिल्म का पूरा ट्रेलर 12 नवंबर को प्रदर्शित हुआ और फिल्म की रिलीज 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसके निर्माण की। मार्च 2012 में घोषणा की गई कि आशीन आर मोहन और हिमेश रेशमिया अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाएंगे। अप्रैल 2012 में हाउसफुल 2 की रिलीज के कुछ दिन पहले बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के नाम खिलाड़ी 786 होगा और इसी के साथ अक्षय खिलाड़ी सीरीज में 12 साल बाद वापसी करेंगे। इस सीरीज की उनकी आखिरी फिल्म खिलाड़ी 420 थी। चलिए बात करते हैं कास्टिंग की। फिल्म को 12 नवंबर 2012 को दिवाली पर रिलीज करने की घोषणा की गई, लेकिन फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर हिमेश रेशमिया को कास्टिंग में कुछ समस्या होने के कारण फिल्म देरी से हो गई। 12 अप्रैल 2012 को हिमेश रेशमिया ने स्वयं घोषणा की सपोर्टिंग किरदार न मिलने के कारण वे मनोज जोशी के बेटे का रोल खुद करेंगे। इसके अतिरिक्त अनुभवी कलाकार अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया और उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म में लिया गया। क्लौडिया चेस्ला ने भी इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया है। इसके अतिरिक्त फीमेल लीड्स के नाम की कई अफवाह आई, जैसे इलियाना डिक्रूज, नगरीश पाकरी और डायना पेंटी। लेकिन फिर जून 2012 में सारी अफवाहों को समाप्त करते हुए आशीन को आखिर में फिल्म की लीड लेडी के रूप में साइन कर लिया गया। तो चलिए बात करते हैं इसके फिल्मांकन की। इस फिल्म की फिल्मांकन 2 जून 2012 को 20 दिन के शेड्यूल के साथ कमालिस्तान स्टूडियोज में शुरू हुई थी। पहले शेड्यूल के दौरान अक्षय ने एक खतरनाक स्टंट किया, जिसमें उन्होंने 45 फीट ऊंचे बंगले से बिना किसी तार व बॉडी डबल के छलांग लगाई। नीचे केवल कुछ गद्दे और कार्डबोर्ड के बॉक्स ही लगाए गए थे। इस फिल्म के एक्शन सीक्वल जल सिंह निज्जार के द्वारा दिए गए थे। अगर बात करें संगीत की, तो फिल्म का साउंडट्रैक हिमेश रेशमिया द्वारा बनाया गया था और बोल समीर सब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया ने लिखे थे। पंजाब के सुप्रसिद्ध रैपर यो यो हनी सिंह ने इस फिल्म के लिए लोनली गाने को रिकॉर्ड किया था, जो कि युवाओं के बीच काफी प्रसिद्ध हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था लोनली, जिसके गीतकार थे सब्बीर अहमद। इसको गाया था हिमेश रेशमिया, यो यो हनी सिंह और हंसका अय्यर ने। दूसरा सॉन्ग था बलमा, जिसके गीतकार थे समीर और इसे गाया था मन्यापति, स्क्रीमन चंद्रा और सिरा घोषाल ने। तीसरा सॉन्ग था लॉन्ग ड्राइव, जिसके गीतकार थे समीर और इसे गाया था मिल्खा सिंह ने। चौथा सॉन्ग था सारी सारी रात, जिसके गीतकार थे सबीर अहमद और इसे गाया था हिमेश रेशमिया। पांचवा सॉन्ग था हुक्का बार, जिसके गीतकार थे हिमेश रेशमिया और इसे गाया था हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह और अमन त्रिखा ने। छठा सॉन्ग था खिलाड़ी, जो कि टाइटल ट्रैक में था, जिसके गीतकार थे सबीर अहमद। इसे गाया था विनीत सिंह, अमन त्रिखा, यशराज कपिल, आलमगीर खान और राजदीप चटर्जी ने। सातवां सॉन्ग था तू होर परी, जिसके गीतकार थे सबीर अहमद। इसे गाया था जावेद अली, श्रेया घोषाल, चंद्रकला सिंह और हर्षदीप कौर। आठवां सॉन्ग था लोनली, जो कि रिमिक्स में था, जिसके गीतकार थे सबीर अहमद। इसे गाया था हिमेश रेशमिया, यो हनी सिंह और हंसका अय्यर ने। इसी तरह और भी सॉन्ग थे जो कि रिमिक्स में बनाए गए थे। तो चलिए बात करते हैं इसके समालोचना की। स्कोर मैगनीज के श्रेष्ठ पदोत्तरक ने एल्बम को 5 में से 3 स्टार दिए, ये कहते हुए लिखा, हिमेश रेशमिया ने पूरी कोशिश की है कि फिल्म का म्यूजिक एडिक्टिव हो। ये एल्बम काफी बिकेगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो काफी सीमा तक इसमें सफल भी हुए, पर वो इसमें अच्छा कर सकते थे और उन्होंने किया भी। दूसरी और समीर और सब्बीर अहमद के बोल एल्बम पर कोई खास प्रभाव नहीं डालते। खिलाड़ी 786 के संगीत को ऑनलाइन काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। हैशटैग खिलाड़ी म्यूजिक रॉक नाम हैशटैग माइक्रोब्लॉग साइट ट्विटर पर पूरे दिन के लिए टॉप 10 रुझान ट्रेंडर्स में नंबर 1 पर रहा था। मैरिज ब्यूरो वाले एक बेहतरीन सेल्समैन होते हैं। अगर एक बार आप उनके पंचड़े में पड़ गए, तो जब तक वो आपकी शादी नहीं करवा देते, आपके पीछे पड़े रहते हैं और इस काम में वह झूठ की तो कतई परवाह ही नहीं करते। चाहे 100 झूठों का पहाड़ खड़ा करना पड़े, लेकिन वह करेंगे, क्योंकि भाई शादी जो करानी है। वह इसे झूठ फरेज और यथाकथित पुण्य के काम को शोकेस किया है अक्की की नई फिल्म खिलाड़ी 786 ने।
पुरानी कहानी और नया मसाला ये है खिलाड़ी 786 का फसाना। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का टैग अपनी खिलाड़ी टाइटल की फिल्मों की वजह से ही मिली, जो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा एक्शन और मारधार से भरी होती थी। लेकिन समय बदल चुका है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी बदल चुके हैं। इस बदलाव का ही नतीजा है कि कभी खिलाड़ी टैग की फिल्में में सिर्फ मार काट नजर आती थी, उसी खिलाड़ी टैग के अंदर बनी फिल्म में भरपूर कॉमेडी उभरी हुई है। खिलाड़ी 786 को एक एक्शन फिल्म कहना बिल्कुल गलत होगा। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक्शन और रोमांस सिर्फ मसालों के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका बैनर है हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी रोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड। इसके निर्माता हैं मिस रसीमिया ट्विंकल खन्ना, सुनील अरोड़ा। इसके निर्देशक हैं आशीष आर मोहन। इसमें संगीत दिया है मिस रसीमिया ने। इसकी रेटिंग 1/2 अकॉर्डिंग टू जागरण। दोस्तों, अगर आप कम वक्त इश्क मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं ये मूवी YouTube पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह इसे अब भी पैसा लेकर दिखा रहे हैं। अगर आप उनकी साइट पर जाओगे तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ये फुल मूवी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कमबख्त इश्क शब्बीर खान द्वारा निर्देशित और सजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित बॉलीवुड रोमांटिक हास फिल्म है। यह फिल्म 2002 के तमिल फिल्म पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं, एवं सहायक भूमिका में अफ्ताब शिवदेसनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन, डेनिस रिचर्ड्स, ब्रेडन रूथ और होली वैलेंस केमियो भूमिका में स्वयं रूप में है। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसका यानी इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते। दोस्तों, कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपए से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों, इस फिल्म को सिंह इश्किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है दो अरबों गरीब इंसानों की बिरासत के लिए। अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है, ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छे लगते हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। स्मृता और वेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेते हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी अफ्ताब शिव से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। वह विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड्स से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है।
इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी तीन लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता, इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई तल्लक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबू एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों, क्या कारण बताया, निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब भिड़ाई अक्षय और डेनिस के बीच, एक तरह से फिल्मा लिया जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज छिपा दी गई है। निर्देशक शबीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शबीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में एक दो जगह हंसी आ सकती है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था सो वो लगी और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कमबख्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। शॉर्ट स्टोरी, जब हॉलीवुड करतबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता यानी करीना कपूर, उसके लगे भाई अफ्ताज, शिव देसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा के जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नववधु के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरित अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी, अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने स्मृता राय का रोल निभाया है, अवताज शिव देसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि। दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो यह थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था इरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों ये दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अली साचिना, यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था। और चौथा गाना था जो कमबख्त इश्क जिसके गायक वे के एवं सुनीत चौहान थे, यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल, यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर, यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स, यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्ला, यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे
कमबैक्ट इश्क इज़ ये द 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय सबीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ट ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवोटल रोल्स एंड अलोंग विद द एक्टर सप्ताश शिवदासनी एंड अमृता अरोरा इज द सपोर्टिंग रोल्स। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड Dennis Richard and Brent Routh and Holly Valance appear in the cameo playing themselves. Originally scheduled of release in the December 2008, the film was postponed due to the expansion production work and the release on 3 July 2019. Kambakti was the commercially successful at the box office. It was the tournament hit by Box Office India. Directed by Sabir Khan, produced by Sajid Nadiadwala and screenplay by Kiran Kotaria and Avinta Dutt Gupta, Sita Mahindra and Sabir Khan, story by Avinta Dutt Gupta and Sita Mahindra and Sabir Khan, Kriji Mohan, based on Pamal ke Sadman and starring Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Aftab Sivanandini, Amrita Arora, Vinod Dara Singh and Kiran Kher. Music by Anu Malik and cinematography by Vikas Sivaram, editing by Nitin Rocket and production company by Sajid Nadiadwala Grandson Entertainment, distributed by Roshno Entertainment, released 3 July 2019 in India, Season 9 in India and running time 135 minutes, category country India, language Hindi and budget of this film 300 million, box office collection is the 840 million. Let's talk about the plot of this film. Mohan Bali put the Sumit Piraz, Sergil Akshay Kumar and medical student Sumit Rara Karina Kapoor come across each other are the brother lucky as the Aftab. Sivendra is the harpist friend's company. Surya Amrita Arora was the planned building is the entire the story development is like for the each other both is the and it is wet to the and one to despair to the pressing further and Simran convicts is the coming to the Arora then many of are after only one things by the forcing lucky to and there Mary Wu for 3 months she is the sure lucky will not be able to do and this field approach to the company that lucky was just another low class male to the like of the other and her claims of him believe different from most men are the unfounded viraj upon the hoarding and Vinod was the पम्मल के सदम्बन पर आधारित है। फिल्म में मुख्य अभिनय कलाकार अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं एवं सहायक भूमिका में आफ्ताब शिवदेसनी और अमृता अरोड़ा हैं। हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन डेनिस रिचर्ड्स ब्रेडन रोथ और होली वायलेंस केमियो भूमिका में स्वयं रूप में हैं। फिल्म दिसंबर 2008 में जारी की गई थी। कार्य में विस्तार के कारण फिल्म को जारी करना स्थगित किया गया था और फिल्म 3 जुलाई 2009 को प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों ये मूवी है 135 मिनट की। ये भारत में रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। इसकी लागत थी 600 मिलियन और इसका यानी इसकी कमाई की थी 842 मिलियन। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी, जब हॉलीवुड कर्तबाज विराज सरगिल ने अक्षय कुमार और मेडिकल छात्रा स्मृता रानी करीना कपूर उसके लगी भाई अफ्ताज शिव देसानी और उसकी सबसे अच्छी सहेली कामनी यानी अमृता अरोड़ा के जल्दबाजी में योजनाबद्ध विवाह के समय एक दूसरे से मिलते हैं तथा वे तुरंत एक दूसरे के लिए एक नापसंद कर देते हैं। वे दोनों विपरीत लिंग के प्रति निम्न विचार रखते हैं और प्रबलता से विश्वास करते हैं कि नववधू के लिए विवाह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये विवाह को उन्हें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। सिमरित अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कामनी को मनाती है। दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं बताऊंगा इसकी लॉन्ग स्टोरी, तो जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस जो है एक्टर ने काहे का अभिनय किया है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार ने विराज सरगिल का रोल निभाया है, करीना कपूर ने सिमरता राय का रोल निभाया है, अफ्ताज शिवदेसानी ने लकी का रोल निभाया है, अमृता अरोड़ा ने कामनी का रोल निभाया है, बिंदु दारा सिंह ने टाइगर का रोल निभाया है, किरण खेर ने डाली का रोल निभाया है आदि।
दोस्तों इसमें चलिए संगीत के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका संगीत जारी हुआ था 12 जून 2009 को और संगीत शैली थी विशिष्ट फिल्म संगीत और इस जो संगीत की लंबाई थी पूरी टोटल सॉन्ग मिलाकर तो थी 41 मिनट 3 सेकंड की। इसका लेबल था हीरोज म्यूजिक और इसके निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। इसमें पहला गाना था ओम मंगलम जिसके गायक थे RDBM नंदी कौर। यह गाना था 4 मिनट 22 सेकंड का और टिप्पणी इस पर हुई थी RBD द्वारा रचित एवं लिखित। दोस्तों यह दूसरा गाना था लख लख जिसके गायक थे नीरज श्रीधर और यह गाना था 5 मिनट 15 सेकंड का। तीसरा गाना था बेबो जिसके गायक थे जो है अली साचना। यह गाना 4 मिनट 19 सेकंड का था और चौथा गाना था जो कम वक्त इश्क जिसके गायक वे के एवं सुनील चौहान थे। यह गाना जो है 4 मिनट 51 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था क्यों जिसके गायक थे शान एवं श्रेया घोषाल। यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ओम मंगलम पुनः जिसके गायक थे RDB एवं नंदी कौर। यह गाना 4 मिनट 35 सेकंड का था। फिर छठा गाना था लख लख इलेक्ट्रो डोल हाउस रिमिक्स। यह रिमिक्स वर्जन में था जिसके गायक थे एरिक पिल्ले। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर जो है सातवां गाना था बेबो जो कि क्लब मिक्स में था और इसके गायक थे किलोग्राम KG और यह गाना 3 मिनट 38 सेकंड का था। तो इसी तरह और भी गाने थे। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर प्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने के से यथन बर्बादी नजर आती है। दोस्तों कमबख्त इश्क देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे किसी 5-स्टार होटल में रोड साइड ढाबे का खाना खाकर बाहर निकले हों। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। हर फ्रेम भव्य नजर आती है। जहां 1 रुपये से काम चल सकता है वहां उन्होंने 10 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन कहानी स्क्रीन प्ले और निर्देशन कमजोर होने से धन की बर्बादी नजर आती है। दोस्तों इस फिल्म को सिंह इश्किंग या गोलमाल की श्रेणी का बताया जा रहा है जिसमें माइंडलेस एंटरटेनमेंट था। लेकिन इन फिल्मों में हंसने की कुछ वजह थी। कमबख्त इश्क में ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। दिमाग नहीं लगाया जाए फिर भी हंसी नहीं आती, मनोरंजन नहीं होता है। कहानी है दो अरबों गरीब इंसानों की। विराज सेरगिलन अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है। ऐसा वैसा नहीं हॉलीवुड का। लड़कियां उसे सिर्फ सेक्स करने के लिए अच्छी लगती हैं। प्यार शादी जैसे शब्दों पर उसे भरोसा नहीं है। स्मृता और बेबो यानी करीना कपूर सर्जन बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मन हुआ तो मॉडलिंग कर लेती हैं। मर्दों से उनसे नफरत है क्योंकि उसकी बहन और माँ को पुरुषों ने धोखा दिया। विराज और बेबो अक्सर टकराते रहते हैं और एक दूसरे को कुत्ता कुतिया जैसे शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। बेबो की खास सहेली कामनी यानी अमृता अरोरा विराज के भाई यानी अफ्ताब शिव दासनी से पैसा से शादी करते हैं। बेबो उनकी शादी तोड़ने के लिए सारे प्रयास करते हैं। इसी बीच एक स्टंट सीन में विराज घायल हो जाता है। बेबो उसका ऑपरेशन करती है और घड़ी उसके पेट में छोड़ देती है। बेबो को डर लगता है कि उसका करियर चौपट हो सकता है। हुआ विराज से प्यार का नाटक कर उसका एक बार फिर ऑपरेशन कर घड़ी निकाल लेती है। बेबो के प्यार को नाटक विराज सच मान लेता है। जब उसे असलियत मालूम होती है तो वह अमेरिकन अभिनेत्री डेनिस रिचर्ड से शादी करने की घोषणा करता है। इधर बेबो को महसूस होता है कि वह विराज को चाहने लगी है। शादी के मंडप में बेबो पहुंच जाती है और विराज डेनिस को छोड़ बेबो को अपना लेता है। इतनी बुरी कहानी को लिखने के लिए भी 3 लोगों यानी अवंता दत्त गुप्ता इश्ता मल्होत्रा और शबीर खान ने मेहनत की है। इस कहानी को विस्तार देने के लिए स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ बेहुदा हास्य दृश्य रचे गए हैं। जावेद जाफरी का ट्रैक डाला गया है जिसका कहानी से कोई तल्लक नहीं है। एक सिंधी के रूप में उन्होंने जो कॉमेडी की है बहुत ही बासी लगती है। विराज और बेबू एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं लेकिन अचानक उनके हृदय परिवर्तन के पीछे कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में विराज डेनिस से शादी कर रहा होता है जहां बेबो के पहुंचने पर वह डेनिस का साथ छोड़ बेबो का हाथ पकड़ लेता है। क्यों क्या कारण बताया निर्देशक और लेखक भी सोच नहीं पाए। उन्होंने तरकीब
भिड़ाई अक्षय और डेनिश के बीच एक तरह से फिल्मा लिया, जिससे दोनों बातें करते हैं। वे क्या बातें कर रहे हैं ये दर्शक नहीं सुन सकते, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे उनकी आवाज छिपा दी गई है। निर्देशक शब्बीर खान को जो अवसर मिला है वो करोड़ों में एकाध को मिलता है। साजिद जैसा निर्माता, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नामी कलाकार, बजट की कोई चिंता नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद शब्बीर मनोरंजक फिल्म नहीं बना सके। मध्यांतर तब फिल्म में एक दो जगह हंसी आ सकती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोर करती है। अनु मलिक का संगीत इस फिल्म का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। एक से एक बेसुरी धुनें उन्होंने बनाई है। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्य हैं, लेकिन चूंकि उन्हें स्टंटमैन कर रहा है और फिल्म की शूटिंग के लिए वे फिल्माए जा रहे हैं, इसलिए नकली लगते हैं। अक्षय कुमार को अब कुछ नया सोचना और करना चाहिए था। इस तरह की फिल्में लगातार करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही अपनी स्टार वैल्यू खो बैठेंगे। अक्षय को दर्शक कॉमेडी रोल में पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों के चयन के मामले से सावधानी बरतना चाहिए। करीना कपूर को ग्लैमरस लगाना था, सो वो लगी, और अमृता अरोरा को अभिनय नहीं आता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। बोमन ईरानी, किरण खेर जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे रोल संभवतः पैसों की खातिर किए। सिल्वेस्टर स्टेलान, डेनिस रिचर्डन, ब्रांडन राउत ने शायद बॉलीवुड प्रेम की खातिर यह फिल्म की। कुल मिलाकर कम वक्त इश्क देखकर दर्शक निराशा के साथ सिनेमा हॉल छोड़ता है, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर वह अंदर गया था वो यह पूरी फिल्म नहीं करती। कमबैक्ट इश्क इजिए 2019 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टेड बाय शब्बीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला। द फिल्म इज द बेस्ट ऑन 2002 तमिल फिल्म पमाल के एंड संविधान एंड द फीचर अक्षय कुमार एंड करीना कपूर इज द पिवोटल रोल्स एंड अलोंग विद द एक्टर सप्ताश शिवदासनी एंड अमृता अरोरा इज द सपोर्टिंग रोल्स। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन एंड डेनिस रिचर्ड एंड ब्रेंडन राउत एंड होली वैलेंस अपेयर इन द कैमियो प्लेइंग देमसेल्व। ओरिजिनली शेड्यूल्ड ऑफ रिलीज इन द डिसंबर 2008 द फिल्म वॉज postponed due to the expression production work and the release on 3 July 2019. Kambakti was commercially successful at the box office. It was the trimmed hit by Box Office India. Directed by Shabbir Khan, produced by Sajid Nadiadwala and screenplay by Kiran Kuteria and Abhinta Dutt Gupta, Sita Mahatra and Shabbir Khan. Story by Abhinta Dutt Gupta and Ishita Mahatra and Shabbir Khan. Kreji Mohan. Based on Pamal ke Sadman and starring Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Aftab Sivanandini, Amrita Arora, Vinod Dara Singh and Kiran Kher. Music by Anu Malik and cinematography by Vikas Sivaram, editing by Nitin Rocket and production company by Sajid Nadiadwala, Grandson Entertainment, distributed by Rojno Entertainment, released 3 July 2019 in India. यार गद्दार एक इलेक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन उमेश मेहरा ने किया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खान, सोमी अली, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के संगीत निर्देशक अनु मलिक हैं। मिथुन इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आए थे। सैफ उनके छोटे भाई के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म का बजट रहा था 3.2 करोड़ रुपए। इस फिल्म की कहानी में मिथुन विभाग का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है और वह सैमी अली से प्यार करता है। बाहरी दुनिया के लिए भले ही वह सख्त इंसान है, लेकिन घर में अपने छोटे भाई सैफ के साथ नरमी बरतते हैं। सैफ अली खान एक हैप्पी गो लकी लड़का श्वेता के प्यार में पड़ जाता है। इसी बीच 5 अपराधियों प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, पुनीत इस्सर, अमृतपाल और शीला के एक समूह ने एक बैंक डकैती की साजिश रची और सैफ को डकैती में फंसाया गया, जिससे वह पुलिस से भाग गया। आधिकारिक तौर पर मिथुन को किसी भी कीमत पर सैफ को गिरफ्तार करने का काम सौंपा जाता है और सैफ को पकड़ने के लिए सभी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चरित्र एक राजपाल शीला का पति है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब समूह के सदस्य एक एक करके मारे जाते हैं। मिथुन अब सैफ को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ठान चुके हैं। इसी बीच मिथुन ने यह भी खुलासा किया कि उसकी प्रेमिका सेमी अली एक बार डांसर है, जो उन्हीं अपराधियों के स्वामित्व वाले बार में काम करती है।
दूसरी ओर सैफ भी अपने भाई को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि सेमी अली उसे मारे गए अपराधी के घर से बाहर आते हुए देखती है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत कातिल सिपाही पूजा आहूजा और देव कोहली ने लिखे थे। साउंड ट्रैक 1994 में वेस्टर्न कंपोनेंट्स म्यूजिक ने ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नरार द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे सामने है जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था तुम ही तुम जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था मेरे यार आ गया है जिसे गाया था अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था मेरे दिल में जिसे गाया था उदित नरार और अलका याग्निक ने। पांचवा सॉन्ग था तुम जाओगे जब जिसे गाया था उदित नरार ने। छठा सॉन्ग था रेड सॉन्ग जिसे गाया था उदित नरार ने। दोस्तों यार गद्दार 1994 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार गद्दार के कास्ट की, यानी जिन्होंने यार गद्दार में भूमिकाएं निभाई थी उनकी निजी जिंदगी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही है कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मर गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों, 2 अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम 5 जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी,
प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी मैं मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी बॉक्सर, 1984 में आई थी जागीर, 1984 में आई थी जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो वक्त की आवाज, गुरु मुर्जिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुल्हारे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकी की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मर गया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्यधारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही। लकी नो टाइम फॉर लव जो कि 2005 में आई थी, जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी जो कि 2005 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। इसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मंथू स्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मंथू स्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म मणिक, मिथुन दा की ताजा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे, हालांकि उनकी यथावर्दती या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंचे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों, मैं टेसन मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम स्टोरी शुरू करें, इससे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में थोड़ा नॉलेज। दोस्तों, इस मूवी के निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, इसके निर्देशक थे विजय कृष्ण आचार्य, इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर, में इसमें कलाकार थे
अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर। इसकी रेटिंग थी 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। तो चलिए अब इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को में फार्मूला का जोर था। एक फार्मूला था बदले का, बचपन में मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी जाती है, हत्यारे को सिर्फ बच्चा पहचानता है और वह बड़ा होकर बदला लेता है। एक फार्मूला होता था प्रेम का, बचपन में लड़का लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। ये जवान होते हैं पर बचपन का प्यार भूल नहीं पाते, बड़े होने के बाद जिंदगी उन्हें फिर साथ दे देती है लेकिन वे एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिल्म समाप्त होने के पूर्व घटनाक्रम ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। उन फिल्मों का क्लाइमेक्स अक्सर विलन के अड्डे पर फिल्माया जाता था जहां बड़े बड़े खाली डिब्बे और पीपे पड़े रहते थे। नायक और खलनायक वहां मारा मारी करते थे और वे खाली डिब्बे धड़ाधड़ गिरते थे। लड़ते लड़ते अचानक आग भी लग जाती थी। खलनायक हजारों गोलियां चलाता था लेकिन उनका निशाना हमेशा कमजोर रहता था। हीरो को एक भी गोली नहीं लगती थी। हीरो को बेवकूफ पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए आता था और वह वेश बदल कर गाना गाने लगता था। यहाँ इन फार्मूलों को याद करने का मकसद फिल्म टसन है। इन चुके हुए फार्मूलों का उपयोग निर्देशक विजय आचार्य ने टसन में किया है, जिनका उपयोग अब फार्मूला फिल्मकार ही नहीं करते। विजय जिन्होंने की फिल्म की कहानी और पटकथा भी लिखी है, उनका सारा ध्यान चरित्रों को स्टाइलिश लुक देने में रहा है। उन्होंने दोयम दर्जे की कहानी लिखी है जिसमें ढेर सारे अगर मगर हैं। फिल्म इतनी स्टाइलिश भी नहीं है कि दर्शक सारी कमियां भूल जाएं। दोस्तों कहानी है पूजा सिंह यानी करीना कपूर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला भैया जी यानी अनिल कपूर से लेना चाहते हैं। भैया जी के 25 करोड़ रुपए चुराने के लिए वह जिमी यानी सैफ अली खान का सहारा लेता है। जिमी से प्यार का नाटक रचाकर वह 25 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाती है। भैया जी रुपए वसूलने का जिम्मा कानपुर में रहने वाले बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार को सौंपते हैं। बच्चन को पूजा अपने प्यार के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाना चाहती है लेकिन वो उसके बचपन का प्यार है। अंत में जिमी, पूजा और बच्चन मिलकर भैया जी और उसकी गैंग का सफाया कर देते हैं। पूजा 25 करोड़ रुपए चुराने के बाद उन्हें पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रख देती है। झोपड़ियों में ग्रामीण उसके करोड़ों रुपए संभालते हैं, इस बहाने ढेर सारी जगहों पर घुमाया गया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, केरल, हरिद्वार और ग्रीस में की गई है। लोकेशन अद्भुत है लेकिन हरिद्वार और राजस्थान जाते समय बीच में ग्रीस के लोकेशन आ गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में कई दृश्य हास्यास्पद हैं और जमीन पर चीनी लोगों से अच्छे की लड़ाई होती है। अगले दृश्य में बिजली के खंभे पर चढ़ने लगते हैं। सैफ अली खान बोर्ड पर आकर अनिल की पिटाई करता है तो अगले दृश्य में अनिल साइकिल रिक्शा पर आ जाता है। फिल्म में भैया जी की पेंट बार बार खिसकती रहती है और भैया जी उसे ऊपर खींचते रहते हैं। यही हाल कहानी का भी है, बार बार यह पटरी से उतर जाती है और इसे बार बार पटरी पर खींचकर लाया जाता है। मध्यांतर के बाद फिल्म की गति बेहद धीमी हो जाती है। फिल्म का सकारात्मक पहलू है अक्षय कुमार और करीना कपूर का अभिनय। करीना इस फिल्म की हीरो हैं और पटकथा उनको केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। करीना ने इस फिल्म के लिए विशेष रूप से जीरो फिगर बनाया और उसे खूब दिखाया। उनका चरित्र कई शर्ट्स लिए हुए है जिन्हें करीना ने बखूबी जिया है। अक्षय कुमार दिलदंड व्यक्ति की भूमिका हमेशा शानदार तरीके से निभाते हैं। इस फिल्म में भी उनका अभिनय प्रशंसनीय है। करीना से प्यार होने के बाद उनके शर्माने वाला दृश्य देखने लायक है। उन्होंने अपने चरित्र की बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। सैफ का चरित्र थोड़ा दबा हुआ है लेकिन उनका अभिनय और संवाद उदागई उमदा है। अनिल कपूर ने इंग्लिश में ऐसे संवाद बोले कि आधे से ज्यादा समझ में ही नहीं आते। अनिल का अभिनय अच्छा है लेकिन उनका चरित्र बोर करता है। विशाल शेखर का संदिग्ध संगीत फिल्म देखने से ज्यादा अच्छा लगता है। छलिया, दिल डांस मारे और फलक तक का फिल्मांकन भव्य है। टसन की टैगलाइन है द स्टाइल, द गुड लक, द फार्मूला एंड, लेकिन फिल्म में सिर्फ बेअसर हो चुका फार्मूला ही नजर आता है। टसन इज ए 2018 इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर एंड अनिल कपूर इज द लीड रोल ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड यशराज चोपड़ा ऑफ यशराज फिल्म। इट वॉज द रिलीज ऑन 25 अप्रैल 2008 एंड मार्केट एंड डायरेक्शन अबाउट द विजय कृष्णा आचार्य।
Budget of this film 31 crore rupees and box office collection 51 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. Jitendra Kumar Makhanwal AK and Jimmy Chip Saif Ali Khan is called center in the exodus to who is the all